पहली चीज़ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरी लास्ट जो व्लॉग थी जो लास्ट यानी जो मेरी फर्स्ट व्लॉग थी यूट्यूब पे बहुत लोग उसको अप्रिशिएट करें और मेरे काम को अप्रिशिएट करें, आप सभी का शुक्रिया। इंशाल्लाह मैं ऐसी वीडियोस और बनाता रहूँगा। और ये अभी देख के समझ जा रहे होंगे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, स्कूल नहीं जा रहा हूँ, कॉलेज नहीं जा रहा हूँ, अभी जिम जा रहा हूँ। मैं अभी आया मैं ऑफिस से, आते ही एक्सरसाइज ज़रूरी है। जब से सईद भाई का इंटरव्यू लेके हम लोग हमारे में एक जुनून आ गया बॉडी बनाने का, पहले से ही करते थे बट समझ जाओ अभी एक दिन जाना तीन दिन छोड़ना, बट इंशाल्लाह आज से कंटिन्यू इंशाल्लाह जल्दी ये टी शर्ट टाइट होंगी वन डे। आप लोग भी एक्सरसाइज करो भाई। ज़्यादातर मैं जिम बाय वॉकिंग जाता हूँ। मैं समझता हूँ बाय वॉकिंग जाने से जो अपनी बॉडी है वो वार्म अप हो जाती है, तो बेटर है आप लोग भी बाय वॉकिंग जाए। मेरा जिम तो यहीं पास में ही है, 5 मिनट्स में पहुँच जाऊँगा। जितने भी आप लोग वीडियो देख रहे हो लोग भी जिम जा रहे तो अच्छे डस्टबिन है रूम में, आप लोग भी जिम जा रहे तो बाय वॉकिंग जाओ, अच्छा है। जब तक आप जिम जाओगे आपकी बॉडी वार्म हो जाएगी जिम में जाके। हाँ तो मैं ये बोल रहा था, अरे किधर देखना कैमरे पे, इधर इधर, फर्स्ट टाइम है ना भाई ये व्लॉगिंग, तो कंफ्यूज हो जा रहा हूँ किधर देखना, क्योंकि तो कैमरा इधर है मैं इधर देख रहा हूँ। अभी जा रहा हूँ, चल रहा हूँ, चल रहा हूँ माशाल्लाह। यानी जिम करना है यार, वो क्या बोलते पब्लिक, जिम करते रहे तो क्या होता, बॉडी भी आप भी फिट रहते, आपकी हेल्थ भी फिट रहती, कोलेस्ट्रॉल आपका कंट्रोल में रहता। अगर आपको फिटनेस के टिप्स चाहिए मैं नीचे कमेंट में अरब लाइफ जो हमारा दूसरा चैनल है उस पर सईद भाई का जो इंटरव्यू है उस पर आप जाके क्लिक करिए, सईद भाई का इंटरव्यू देखिए, इंशाल्लाह उसमें आपको बहुत चीज़ें मालूम हो जाएगी। फाइनली आ गया मैं जिम। चेस्ट का वर्कआउट है तो वर्कआउट से पहले कुछ वार्म अप हो जाए। अभी चेस्ट इंग्लैंड प्रेसिंग है, डंबल प्रेसिंग है और फर्स्ट सेट में 16 से मार रहा हूँ। ये है हमारे कोच लोक भाई, अभी एक कैमरा मैं लोक भाई को दूंगा जो मेरी वर्कआउट शूट करेंगे। ओ टी लोक भाई अभी मार रहे हम लोग चेस्ट फ्लैट मशीन। चलो चेस्ट का वर्कआउट हो गया, फुल लग गए यार, क्या वो ऐसा कराते एक्सरसाइज। अभी है बाइसेप्स, दो बाइसेप का एक्सरसाइज करूँगा मैं। फर्स्ट है
रॉड का, उसके बाद फ्री चक्कर मारूंगा। Your biceps, very good. Finally, जिम खत्म करके घर को आ गए हैं हम। अब जाना है और कुछ खाना है। और आज मेरी एक्सरसाइज हुई है, चेस्ट मारा, चेस्ट के साथ मैं 2 सेट बाइसेप्स और उसके बाद 15-20 मिनट्स कार्डियो करा। मैं डेली ऐसी ही रूटीन है मेरी, कल मेरा बैक है, बैक वर्कआउट है, उसके साथ ट्राइसेप्स है, देन एरोबिक करूँगा फिर कार्डियो करूँगा। सो पेनी डे। अस्सलाम वालेकुम, जुम्मा मुबारक। अभी सीन ये है, मैं जा रहा हूँ नवाज के घर कुछ एक्साइटमेंट करने के लिए। भाई साहब बिरयानी बना रहे थे, बिरयानी बन रही तो अपन गधा छोड़ते यार। आगे हम नवाज भाई के घर अभी एंटर हो रहे। प्रॉब्लम ये है, उनके घर पे 3 फ्लोरा चढ़ लेते जाना पड़ता। देखो कहीं तो बोले तो लिफ्ट नहीं है। अब जाके दरवाजे मारेंगे अब दबा के। बाकी जी बखामा भाई देखो क्या हालत हो गई हमारे भाई की। क्या है भाई, बिरयानी बना रहे हैं यार। अरे बेचारे बहुत मेहनत कर रहे हैं। आ जाओ लेकिन घर मत करो, मुश्किल नहीं है यार। गोश्त का जा रहे हैं सही है भाभी छोड़ के गए तो देखो भाई की हालत क्या हो गई भाई। देखो ऊपर चढ़ चढ़ के पका रहे। देखो शहजादा कहाँ है? ये देखो भाभी से बात कर लेते बैठे हैं। भाई सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम भाई। जी लोग बन गया आपका भाई। क्या है भाई, ये हमारे शहजाद भाई, स्मार्ट बॉय हमारे गैंग के। हम लेट के वेलकम है। नहीं भाई ये कार्ड तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। खैरियत भाई, किससे बात कर रहे थे यार? अम्मी से बात कर रहे थे। जुम्मा ही तो पकड़े गए तो सब जने अम्मी अब्बा ही बोलते। आपको क्या लगता है, मेरी शक्ल देख के आपको लगता है कि मैं किसी लड़की से बात कर रहा हूँ? मैं बोला ही नहीं कुछ भी, तुम ही बोल दी। फाइनली हमारे नवाज भाई बिरयानी बना लिए। और गार्निशिंग तो करनी, गार्निशिंग भी नहीं। कैसी बनी भाई? अभी टेस्ट करके बताएंगे कैसी बनी। कितनी मेहनत लगी बनाने में? 2 घंटे लगे पूरे, 2 घंटे और 3 अफराद। दो घंटे 3 कहां से, मैं तो अभी आया ना। दो अफराद शहजाद को 2 मिला दिए क्या? उसने सारा सामान काटा और मैंने बिरयानी बनाई है। डेकोरेट नहीं कर सके अभी फिलहाल क्योंकि हमारे पास अभी धनिया पुदीना नहीं। समझ सकते भाई। हाँ यार, ये बना है। ये बनाए बहुत बड़ी बात है। बैचलर बिरयानी है, डब्बे से देख के बनाई है और लो फैट बिरयानी। और इसमें काजू भी है थोड़े देखिए। आते काजू भी हम लोग खाते वो बताते हैं। आ जाओ आप लोग भी खाने। बिरयानी बनाने में बस नवाज भाई का हाथ नहीं था, हमारे शहजाद भाई का भी था। भाई कैसी बनी बिरयानी, कितनी मेहनत हुई आपको? सबसे पहले हमने सुबह बिरयानी की प्रिपरेशन स्टार्ट की, नमाज के बाद से सामान वगैरह सब काटा, उसके बाद हमने अपने शेफ को उठाया। शेफ को ने नाम बोला शेफ का? नवाज रैंडम शेफ है ऐसी पकड़ के ला ली इधर आपने बिरयानी बना। हाँ तो भाई ये बिरयानी बनी है आपके सामने। और इससे पहले जो हमने बिरयानी बनाई थी वो हमने अपने YouTube चैनल पे अपलोड की थी। कई वो कैसी बनी थी
कि असल में प्लान नहीं था, बस वैसे ही बन गई है तो इस वजह से। इंतजार हुआ खत्म, आ गई बिरयानी। पता नहीं कैसी होगी, ये दो शेफ से बिरयानी बनाने में इनका बड़ा हाथ था और हमारा हाथ इसमें ये था, बस हमारे हाथ से खाए हम और कुछ भी नहीं। क्या बोलते भाई, क्या बोलते, खाते भी नहीं, देखते हैं। अच्छा पहली चीज, हम उस दिन बोले फ्रेश होके मिलेंगे, जब हमारी रियाद की जो लास्ट ट्रिप थी घर वापस आते वक्त हम बोले थे मिलेंगे फ्रेश होके उस दिन, उस दिन छोड़ के जो गए आज मिले। फिर फ्रेश होने में चार पाँच दिन लगे यार, इतना थक गए थे हम लोग। ऐसा सोया उस दिन मैं कि उठी ये भाई, जब वीडियोस बनी अफसोस, क्या बोलते हैं, अफसोस कर ले रहे थे कि मैं क्यों नहीं आया। क्या बोलते हैं भाई, रो रहा था, खून के आंसू बता बाद में। भाई एडिटिंग कैसे हुई अपने वीडियोस की, सही हुई ऐसी वाली? और रजा फरदान का व्लॉग देखें, वो बहुत अच्छा है, वो पहला वाला व्लॉग डे वन वाला। दूसरा भी अच्छा है, कौन आ रहा, मेहनत लगी इसके पीछे। अबे एक की तो पब्लिसिटी करना था जरा, न्याय भी सब्सक्राइबर्स बढ़े बात करो जरा। पहला वाला भी देखें, दूसरा वाला देखें, लेकिन पहला वाला मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। तुम्हारा कौन सा? और मैंने थर्ड आई से देखा है तो मुझे दोनों जो है जबरदस्त लगे, अच्छे लगे। लेकिन एक शिकायत है इन दोनों से, खुद ही निकल गई और कटा दिया भाई को। जुम्मे की नमाज पढ़ के आए तुम, झूठे थे चलो बोल के, नहीं चले तो अब हमारी क्या है उसमें। मैंने पूछा ऑफिस में बैठा हुआ, चलेगा, दो सेकंड में जवाब आया नहीं। भाई हमारी गलती नहीं है, तो हम तो इनविटेशन दिए थे भाई। होटल कैसा था जी अपने? A1 स्वीट था, रूम भी नहीं था, स्वीट था हमारा। आई होप हमारे फॉलोअर ने जो है मिस किया होगा मुझे। हम दिल रखने के ऐसे यस बोल दो भाई कमेंट में, नहीं तो फिर हमारे ऊपर रहता। चलो हम खाना खाते हैं उसके बाद मिलते हैं आज। बिरयानी खा लिए, पेट भर लिए, अब निकले हम लोग तफरी करने। फनातिर जा रहे हैं अभी हम लोग। Hey guys! ये लास्ट में व्लॉग में नहीं लिए बोले थे, जब भी कैमरा खुला है आ जा रहा आदमी है। हर दफा मिस कर देते हो तुम लोग। लास्ट टाइम तो खुद से नहीं आए भाई, अभी हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो अभी चलो, कौन चला रहे गाड़ी? आज के पायलट है नो, को पायलट मैं हूँ, को पायलट मैं हूँ ना, मैं पीछे बैठूंगा, पैसेंजर है नो। हम लोग को जहाँ आना था हम लोग आ गए हैं। हमारे डायरेक्टर साहब निकाल लिए उनका हथियार। किधर आए हुए अपन? किधर आए अपन? अन अखिल बीच है जुबेल, बैकग्राउंड देख, पीछे ट्रक आ रहा है। मुश्किल नहीं है भाई, वी आर ट्रक भी लेंगे, हम भी नीचे से ऊपर आए सवाल है ना, सब चीज कवर करना पड़ता। तो हमारे शहजादे भाई आज पूरे शहजाद के व्लॉग में रहेंगे इंशाल्लाह। लास्ट टाइम दो व्लॉग में नहीं थे ना, तो आज फुल हमारी क्लास है। धोखा दिए अपन, धोखा दिए गए, धोखा नहीं दिए भाई साहब ने, चोरी पकड़े गए थे तो हंडड़ा आ रहा है। ये देखो कैमरा हाथ में आते ही खत्म शुरू हो गए। साथ में रहते मगर ईमेल करके पूछे। हम लोग आए थे अनखिल कॉर्निश जुबेल में है, बट यहाँ पर शूट नहीं कर सके बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे फैमिली से ऑब्जेक्शन करेंगे। असल में हमें टिकटॉक से जो है ना फुर्सत ही नहीं मिली। आप जाके देख लो किसका टिकटॉक बने हुआ है किसका नहीं है। शाम में आते मेरा तो नहीं है, देखो टिकटॉक मैं तो नहीं बनाया, ये दो बंदे बनाए, देखो और से देखो। शाम में आते ना फिर रहता आए ये थे। दिन वाली क्या कहानी है ये बताएंगे आपको अगली वीडियो में। अगली वाली वीडियो दिन में अभी बोले तो नको अपनी पब्लिक होती सबर नहीं करती। तो ये था शॉट। हम लोग दिन में आते जल्दी और थोड़े यहाँ के चीज़ा जो भी है कवर करेंगे बोले तो।
हमारे मास्टर शेफ सो रहे थे अल्लाह खैर हमारे मास्टर शेफ सो रहे थे, बिरयानी बनते बनते 4:30 हो गई और हम लोग यहाँ पर कॉर्निश पे आए, जब तक हमारा कितना टाइम हो गया, 6:30 हो गए, 6:30 हो गए, पूरा अंधेरा हो गया, क्या लेते समझ में नहीं आता। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में अपन जबरदस्त लेंगे, क्या बोलते भाई? इंशाल्लाह जरूर, इंशाल्लाह। ना हम यहाँ पे अभी गाइड करते करते पहुँचे हैं, यहाँ पे हम ऑन द वे हैं रिफ्रेशमेंट के लिए, हम यहाँ पे रिफ्रेशमेंट के लिए यार, क्योंकि इतनी देर से टिकटॉक बनाते बनाते बिल्कुल जान ना निकल गई निकल गई। ओके अभी देखते हैं अंदर क्या मिलता है हमें। ये सारे जूसेस हैं और होपफुली किस जूस की तरफ हम बढ़ेंगे। आई नीड कोड रेड, कोड रेड। हाँ यार ये कोड रेड कहाँ, एक मिनट। मुझे डिफरेंट सेट ट्राई करने की आदत है मुझे। ये क्यों लिया, रेड वाला क्यों लिया तुमने? है भाई शायद ये वाला आपने क्यों चूज किया? अलग दिख रहा है ना, वो रेड था, रेड पी पी हमारी जिंदगी पूरी वो हो गई, लाल हो गई, लालो लाल हो गई हम पीले भाई। यहाँ ये खिड़की विंडो दिख रही ना, विंडो नहीं होती, इसमें पूरे सिगरेट्स लगे हुए। बंद कर दो भाई फिर से। थैंक यू, सही है। इस पे जो लिखे है YouTube पे आओगे लड़के, नॉट फॉर सेल टू पर्सन अंडर 18 एज। तीन तीन इसको तीन दफा क्या स्कैन करना क्या भाई? भाई विंडो है ना वो, यार लगता तो विंडो घर की खिड़की लगता है। आपके घर की खिड़की है क्या जो चोरी हो गई थी? खिड़की बोलते क्या भाई, इनकी घर की चोरी हो गई कहते, वही है क्या? आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना मत।